नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर उदरमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे बायमैक्सिलरी प्रोट्रूजन के बारे में, यानी कि अगर आपके दांत जो है दोनों जबड़ों में बहुत भार हैं तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो शुरू करें। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बायमैक्सिलरी प्रोट्रूजन यानी कि दांत के बाहर होने के बारे में। अब पहली चीज़ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ एक पेरियोडोंटिस्ट। पेरियोडोंटिस्ट होता है गम सर्जन। बायमैक्सिलरी प्रोट्रूजन के लिए जो है काम जो करना होता है उसका ट्रीटमेंट होता है ब्रेसिस का, और ब्रेसिस के स्पेशलिस्ट होते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट, यानी कि जिन्होंने मास्टर्स करी होती है, MDS की होती है ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स में, तो वो ब्रेसिस के डॉक्टर होते हैं। बहरहाल मेरा कर्तव्य ये है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि मैं एटलीस्ट आपको बता पाऊँ कि पहली बात, अगर आपके दोनों जबड़ों के जो है दांत बहुत भार हैं जिसकी वजह से आपको एक तरीके की एस्थेटिक कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा है, आपको जो है कॉन्फिडेंस में इश्यूज़ हैं और आपको लगता है कि बहुत सारे फंक्शनल इश्यूज़ हो सकता है, स्पीच में भी हो, तो आपका कर्तव्य ये है एज अ पेशेंट कि आपको जो है एक ब्रेसिस के डॉक्टर के पास जाना है। BDS डॉक्टर विद द डिप्लोमा नहीं, एक ब्रेसिस यानी कि MDS डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स या ऑर्थोडोंटिक्स के डॉक्टर के पास जाना है, जो दांत पे तार लगाने वाला डॉक्टर है, जिसकी रुचि, जिसके मास्टर्स और स्पेशलाइजेशन इसमें है। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आप तो ब्रेसिस के डॉक्टर हैं नहीं तो आप ये क्यों बात कर रहे हैं। मेरा बस कहने का तात्पर्य है, मैं बहुत जनरल सा एक एपिसोड बनाना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास ऐसी स्थिति है जिसमें आपके दोनों जबड़ों के दांत बाहर फैले हुए हैं और जो है वो थोड़े से बाहर दिख रहे हैं, तो आपका काम है एक MDS ऑर्थोडोंटिक्स डॉक्टर के पास जाने का। और जो इस एपिसोड में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो बस ये है कि इसमें क्या क्या जो है लक्षण दिखते हैं और क्या क्या इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस का मतलब ये नहीं कि पत्थर पे लकीरें, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वही आपको फॉलो करनी है। आपको ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद अपने MDS ऑर्थोडोंटिक्स से जो है आप बात कर सकते हैं और उनसे विचार विमर्श करके आप ये निर्णय ले सकते हैं कि करना क्या है। तो अगर आपके दांत जो है बाहर की तरफ है, फ्लेयरिंग तरीके से है कि आपके ऊपर के जबड़े के और नीचे के जबड़े के दोनों जो दांत हैं वो दोनों जो है बाहर आ रहे हैं, अगर आपके जो दांत हैं वो दोनों जबड़ों में बाहर आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायमैक्सिलरी प्रोट्रूजन। अब इसके जो है बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, उस पर नहीं जाना है, बट अगर आपको किसी तरीके से इसमें आपको लग रहा है कि आपकी जो है सामाजिक तरीके से आपकी जो छवि है उस पर जो है असर पड़ रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली समाज में इन सब चीज़ों के नाम भी होते हैं, जो बचपन में जो है बहुत बच्चों के पड़ जाते हैं जिनके दांत बाहर होते हैं, तो मैं उस जगह पे उन नामों पे नहीं जाऊंगा। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति की छवि पे और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कितना असर पड़ सकता है कि अगर उनके दांत बाहर हो। तो अगर हम बायमैक्सिलरी प्रोट्रूजन बोलें तो अगर वो दांतों से होता है तो उसमें जो है हम यूजुअली क्या करते हैं, उसमें कुछ कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि आपकी लिप इनकॉम्पिटेंस होती है, यानी कि आपके होंठ पूरी तरीके से बंद नहीं होते, मुंह बंद करने में होंठ पे स्ट्रेन पड़ता है, जब आप स्माइल करते हो तो आपको गमी स्माइल आती है, ठीक है, और हो सकता है आपको स्पीच की भी प्रॉब्लम्स हो सकें, बट अगर आप साइड प्रोफाइल से देखो तो आपके दांत बाहर की तरफ यू नो फ्लेट आउट लगते हैं, ऐसे जटे हुए लगते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो है आपको कुछ नहीं करना है, एक अच्छे डॉक्टर को, सक्षम डॉक्टर को ढूंढिए, MDS ऑर्थोडोंटिक्स, उसके बाद वो आपके इंप्रेशंस लेंगे, आपका नाप लेंगे, आपके एक्सरेज लेंगे, आपकी एज अनुसार देखेंगे कि किस तरीके का ट्रीटमेंट होना चाहिए। यूजुअली ट्रीटमेंट जो बायमैक्सिलरी प्रोट्रूजन का होता है वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोट्रूजन यानी कि आपका जो दांत है वो कितने बाहर आ रखे हैं सामने वाले। दूसरी चीज़ कि आपके जबड़े में भी ये चीज़ प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर आपकी लोअर फेशियल हाइट यानी कि निचले जो ये जबड़े की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी हमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। डेंटल मैलक्लूजन यानी कि डेंटल बायमैक्सिलरी प्रोट्रूजन यानी कि दांत सिर्फ दांत के बाहर आने की वजह से हो सकता है आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़े, यानी कि तार का ट्रीटमेंट करना पड़े, ब्रेसिस का ट्रीटमेंट करना पड़े, और मोस्ट लाइकली उसमें हो सकता है आपको एक्सट्रैक्शन कराने पड़े। एक्सट्रैक्शन होते हैं आपके फर्स्ट प्रीमोलर्स के यूजुअली, उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है मेरे पुराने एपिसोड्स में बहुत कमेंट किया कि हमें दांत नहीं निकलवाने हैं। देखिए ये आपका निर्णय जनरली नहीं होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लान भी आपके तीव्रता पर डिपेंड करता है कि दांत कितने बाहर हैं। अगर दांत बहुत ज़्यादा बाहर हैं तो हो सकता है चारों फर्स्ट प्रीमोलर्स आपको निकालने पड़े, चारों विजडम टूथ आपको निकालने पड़े, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जगह बनानी बहुत ज़रूरी है। ये दांत बाहर आए क्यों, क्योंकि हो सकता है आपके बचपन के टाइम पे आपका जो जबड़े का जो स्तर था उगने का वो आपके दांतों के स्तर से थोड़ा कम था, जिसकी वजह से आपकी क्राउडिंग हो गई और दांतों को बाहर आने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए जबड़े में वो बाहर आ गए, ठीक है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको स्पेस बनानी ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं स्पेस यू नो क्रिएशन, यानी कि हमें स्पेस क्रिएट करनी है। तो वो कैसे होती है, एक तो अकल के जो
दांत हैं, अगर वो आ गए हैं तो बेटर है कि उनको निकलवा दीजिए। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके फर्स्ट प्रीमोलर्स का कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, तो वो चारों जो है अगर डिपेंडिंग अपॉन कितनी तीव्रता है केस में, उसको जो है निकाल के स्पेस बनती है। फिर दो सेगमेंट आते हैं, प्रीमोलर जो निकाल दिया है उसके आगे वाले दांत होते हैं उनको बोलते हैं एंटीरियर सेगमेंट, और प्रीमोलर के पीछे जो निकाला हुआ जो जो प्रीमोलर निकाला हुआ उसके पीछे वाले सेगमेंट को बोलते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट। इस केस में जो है हम कोशिश करते हैं ये स्पेस क्लोजर ऐसा हो जितना पॉसिबल हो कि आगे के दांतों को हम पीछे खींचें, और थोड़ा बहुत पीछे के दांतों को अगर हम आगे करना चाहें वो हो सकता है, बट बेटर ये रहता है कि आगे के दांतों को पीछे खींचें। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम स्प्रिंग्स लगा सकते हैं, कॉइल्स लगा सकते हैं। स्पेस क्लोजर में हम एंकरेज लेते हैं, एंकरेज का मतलब होता है कि एक ऐसा वस्तु या एक ऐसा पार्ट आपके मुंह का जिस पे जो है उसको खूंटा बांध के हम बाकी सब चीज़ों को पीछे कर लें। एंकरेज में जो है कंसेप्ट आता है मैक्सिमम एंकरेज, इसका मतलब क्या है कि जितनी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है उस स्पेस को बंद करने के लिए हम क्या क्या सबसे ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है केंद्रित कि आगे के दांतों को पीछे करना है, पीछे के दांत थोड़े से आगे हो जाए कोई बात नहीं। और एंकरेज ली कहाँ से जाती है, आपके दांतों की हड्डी से, तालू की हड्डी से, खुद दांतों से, जो पीछे वाले दांत बड़े बड़े चौड़े चौड़े दांत हैं उनसे, और कभी कभार हमें एक्स्ट्रा अप्लायंसेस लगानी पड़ती हैं जैसे कि नैंस होल्डिंग अप्लायंस, ट्रांसपेरेंटल बार, कभी कभार मिनी स्क्रूज या मिनी इम्प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, और स्केलेटल मैलोक्लूजन यानी कि जिसमें जबड़े की हड्डी की प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसमें हमें ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी तक पे जाना पड़े, जिसकी वजह से हम दांतों को पूरे जो जो कॉम्प्लेक्स है दांतों के हड्डी का उसको पीछे कर पाए और नीचे वाले को ऊपर कर पाए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और इस पर काफ़ी सारी जो है स्टडी लगती है, काफ़ी सारे आपको एक्सरे लेने पड़ते हैं, काफ़ी सारे आपको इंप्रेशन लेने पड़ते हैं। एनालिसिस होती है एक सेफेलोमेट्री की, जिसमें हम आपका जो है एक्सरे से जो है स्टडी करते हैं कि आपके नाक, होंठ, चिन, ठुड्डी और ये वाले जो एरिया, इन सब के जो है एंगल्स जो है, हड्डी का एंगल कितना बन रहा है आपके जबड़े से, और उस एंगल की जो हमने वैल्यूज थ्योरेटिकली निकल रखी हैं तो उसको आइडियल लाने में हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें जो है डॉक्टर का वर्चस्व है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक काम करना है, प्रस्तुत हुई है अपने डेंटिस्ट के सामने, MDS ऑर्थोडोंटिक्स के सामने प्रस्तुत हुई है, उनसे बात करिए कि आपकी महत्वाकांक्षा कैसी है, आपको चाहिए क्या, आपको स्पीच में इम्प्रूवमेंट चाहिए, गमी स्माइल में इम्प्रूवमेंट चाहिए, कि आपको दांत जो है अब जो बाहर निकले हुए लग रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बार उनसे वार्तालाप करके डिस्कशन करिए, फिर वो आपको ट्रीटमेंट प्लान बताएंगे, आपका पूरा केस स्टडी करके कितने दांत निकलने हैं कि नहीं निकलने हैं। अगर स्केलेटल मैलोक्लूजन है यानी कि जबड़े में ही प्रॉब्लम है तो ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी करने का स्कोप है कि नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत निर्भर करती हैं। इसके लिए आपको जो है जो ऑर्थोडोंटिक्स के जो आपके डेंटिस्ट हैं उनसे बात करना ज़रूरी है। और बहुत लोग का जो है, मुझे ये बहुत बार DM आता है और कमेंट आता है कि सर हमें दांत नहीं निकलवाने। देखिए ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इनफैक्ट मेरे पास बच्चों का, यंग एडल्ट्स का, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का बहुत आता है, क्योंकि उनको जो है अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होती है और उनके पेरेंट्स ये मानते नहीं, क्योंकि वो उस जनरेशन उस पीढ़ी के हैं जहाँ पे उनको लगता है कि दांत निकालने नहीं चाहिए। दांत निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आजकल उपकरण बहुत अच्छे हैं, दांत निकालने में दर्द भी नहीं होता, और स्पेस क्लोजर बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो बच्चा है, जो यंग एडल्ट है जिसके दांत बहुत बाहर हैं, उसको समाज में जाने के बाद जो है हो सकता है किस किस चीज़ों का जो है यू नो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, कि लोग जो है, क्योंकि ये सब चीज़ें आजकल जो है जो बोलना नहीं चाहिए बट सच्चाई यही है, जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं अपनी स्माइल के बारे में और आपको लगता है कि आपके दांत आपको सही नहीं लग रहे हैं, आड़े तिरछे लग रहे हैं, तो प्लीज़ जो है एक डेंटिस्ट से, एक ऑर्थोडोंटिस्ट से संपर्क करके उनसे विचार विमर्श करके परामर्श लीजिए। और अगर आपको बायमैक्सिलरी प्रोट्रूजन की प्रॉब्लम है तो उनसे जो भी वो बोलते हैं, जो भी टेस्ट कराने को बोलते हैं, वो कराने के बाद जो है जो भी वो परामर्श देते हैं उनके जो निर्देशों का पालन करके आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कराइए। ट्रीटमेंट में हो सकता है 1.5 से 2 या 2.5 साल भी लग जाए, उसके बाद रिटेंशन फेज होता है कि वो रिटेनर पहनना पड़े, बट जब अगर आप सारे कंप्लायंस कर लेंगे ब्रेसिस के एंड ऑल दोस थिंग्स एंड रिटेनर्स के और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तो डेफिनेटली जो है आपके में एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप स्माइल अच्छे से कर सकोगे और आप जो है सामाजिक तरीके से, सार्वजनिक तरीके से बहुत अलग कॉन्फिडेंस में अपने आप को पाओगे। क्योंकि देखिए हर किसी की क्षमता होती है, हर किसी की कला होती है, हर किसी का जो भी वो काम कर रहे हैं जिस भी लाइन में हैं वो वर्चस्व तो है ही, बट
आजकल के ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी स्माइल से आपका कॉन्फिडेंस बहुत दर्शाता है। तो ये चीज़ इस बारे में मैं बहुत आपसे जो है आपसे मैं वही जो है एक विनती कर सकता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको परेशान कर रही है तो माइट एज़ वेल आप जो है एक डेंटिस्ट को दिखाइए, एक ऑर्थोडोंटिक डॉक्टर या ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाइए, जिससे आपका ब्रेसिस का ट्रीटमेंट शुरू हो सके और आपके जो दांत हैं जो बाहर फैले हुए हैं उसको अंदर करा जा सके। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल ना करिए, मुझे मैसेज डालिए व्हाट्सएप पर अपना नाम अपना स्थान और अपनी मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए, मैं एक दो दिन में रिप्लाई करूँगा। प्लीज़ थोड़ा धैर्य रखिए और उसके बाद हम वार्तालाप करेंगे। और अगर आपके पास कोई क्वेरीज डाउट्स एप्रीहेंशन या इनसाइट्स हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।